सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल पीडिया को और बेल आइकन को दबाइए ऑसम वीडियोस के लिए। i20 Magna 2010 Ford का इको स्पोर्ट टाइटेनियम पुश बटन स्टार्ट वैगन आर एलेक्सा 2017 फर्स्ट ओनर स्विफ्ट डिजायर 2012 इंजन बहुत कम चला हुआ है पूरा मारुति में सर्विस हिस्ट्री है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट 2010 मॉडल है ये 2014 मॉडल गाड़ी है इनोवा G4 होंडा सिटी ये 2014 है सनरूफ पुश बटन स्टार्ट तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ जो रहे हुंडई का i20 i20 में सर ये कौन सा मॉडल रहेगा i20 Magna अच्छा ईयर 2010 ओनर टाइप सेकंड रनिंग 85,000 जेन्युइन अच्छा तो जैसे मैं जेन्युइन बोलता हूँ तो जो भी आपको सर्विस हिस्ट्री का सीन रहेगा सब अवेलेबल है तो आप आके चेक भी कर सकते हैं अभी पूछना चाहूंगा इसका टायर कंडीशन टायर सर इसकी 40-45% टायर है अच्छा हाँ और इंश्योरेंस इंश्योरेंस और लैप्स अच्छा हाँ तो जो भी रहेगा डील के वक्त होगा वो हो जाएगा अच्छा हाँ अभी पूछना चाहूँगा इसका आस्किंग प्राइस 2,25,000 सवा दो लाख रुपये अच्छा हाँ कहाँ तक के क्लोज हो सकती है कहाँ तक के 2,00,000 फाइनल देना है सर अपने को ये गाड़ी दो में फाइनल हाँ कैसा ये सब छोटे ब्रांड में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करना है और वो ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ते भैया ये है ये देख लीजिए दो सवा दो बोल रहा है 2,00,000 में देगा उससे रुपए में सर क्या मिल रहा है 2,00,000 में आपको i20 मिल रही है और क्या होना तो 2,00,000 में ये गाड़ी लेके जाओ चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ जो कि रहेगा फोर्ड का इको स्पोर्ट में सर ये कौन सा वेरियंट रहेगा टाइटेनियम पुश बटन स्टार्ट अच्छा हाँ तो ये टॉप एंड में आता है ना टॉप एंड में आता उस समय 2017 का ये टॉप एंड वेरियंट था अच्छा ईयर क्या बोले 2017 जी और इसका रनिंग क्या रहेगा रनिंग सर 56,000 कंपनी हिस्ट्री पे चला हुआ है अच्छा हाँ और इसका जो आस्किंग प्राइस इसका आस्किंग प्राइस सर अपन ने 675 रखे हैं अच्छा हाँ तो 650 में छोड़ देंगे देख सकते सर और उससे भी निगोशिएट हो पाएगा अच्छा कैसा है जिनकी गाड़ी है वो पहले नागपुर में रहते थे फिर बाद में मुंबई शिफ्ट हुए कोरोना में उनके फादर एक्सपायर हो गए उसमें वो फादर के बाद में लड़कों के नाम पे होगी सेकंड ओनर तो गाड़ी जेन्युइन 56 से लिए कंपनी हिस्ट्री पे है अच्छा। चारों टायर नए हैं और इंश्योरेंस लैप्स हो गया सर उनका अच्छा। क्योंकि गाड़ी चलती नहीं थी उनकी अली गाड़ी खड़ी खड़ी है तो आस्किंग प्राइस क्या बोले लास्ट उसका 675 रखे है अच्छा 725 वगैरह 730 कहीं ना कहीं निगोशिएट हो पाएगा अच्छा। जी तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ जो कि रहेगा मारुति सुजुकी का वैगन आर सर वैगन आर में सर ये कौन सा वेरिएंट रहेगा सर ये वैगन आर एलेक्सा 2017 हाँ अच्छा तो ओनर टाइप फर्स्ट ओनर हाँ और इसका ड्रीवन कितना हुआ अभी तक ड्रीवन लाइन लाइक चली कितनी किलोमीटर ना हाँ किलोमीटर सर ये चली है 45,000 हाँ टायर पोजीशन सर चारों अलाइवल चारों टायर नए अच्छा हाँ अभी मैं पूछता जाऊंगा इसका आस्किंग प्राइस का 425 सर 425 हाँ अच्छा और इंश्योरेंस का वगैरह सीन सर इंश्योरेंस अब भी लैप्स हो गया उसका लास्ट मंथ हाँ तो जैसे भी डील के वक्त जो भी हो सकता है जैसे हम लोग बना के देंगे या 50-50 करेंगे ये जो भी डील रहेगा ये ऑन टेबल ही होगा इंश्योरेंस का भी तो जल्द से जल्द विजिट करें और लेके जाए तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ जो है स्विफ्ट डिजायर सर ये कब का मॉडल रहेगा ये 2012 और इसका जो अभी टायर पोजीशन वगैरह कैसा रहेगा सर गाड़ी चला है जेन्युइन 56,000 कंपनी रिकॉर्ड फर्स्ट ओनर और मैंने गाड़ी एकदम मेंटेन व्हीकल है अच्छा तो टायर पोजीशन वगैरह कैसी रहेंगी इसमें 50% के आसपास है और इसका ड्रीवर कितना बोले आपने 56 जेन्युइन और आस्किंग प्राइस 4,00,000 राउंड फिगर उसमें कुछ गुंजाइश हो जाएगी तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा तो 4,00,000 में अभी इसका आस्किंग प्राइस है बट गाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में है अच्छा गाड़ी जैसे
एक्स्ट्रा क्या लगा इसमें? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, कैसा गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, जो है 15-16 की गाड़ी की एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों की, उस टाइप की गाड़ी हो। अच्छा, कंपनी में जाएगी गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ है, इंजन बहुत कम चला हुआ है, पूरा मारुति में सर्विस हिस्ट्री है, चारों पांचों अलॉय व्हील लगे हैं एक्स्ट्रा, VXI मॉडल, VXI में अलॉय व्हील आते नहीं बट इसमें अलॉय व्हील वगैरह लगे हैं, लेदर एफएसटी लगी है, कंपनी इनबिल्ट सिस्टम है, सब बातें एकदम जेन्युइन है उसमें। तो आइए और लेके जाइए। तो अभी बढ़ते हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि रहेगी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, रेडिश कलर में गाड़ी का कलर है। तो इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी सर? ये 2010 मॉडल है और ये 2010 है, सेकंड ओनर व्हीकल है। अच्छा, हाँ, इंश्योरेंस भी वैलिड है इसका। और किलोमीटर्स? किलोमीटर सर ये चलिए 85,000। तो इसका आज की प्राइसिंग क्या रहेगा? कुछ 2,25,000। हाँ, डीजल वीडी है। अच्छा, डीजल है क्या? डीजल वीडी है। अच्छा, और टायर इसके चारों 100% न्यू। तो हम लोग ट्राई करेंगे जो 2.25 लाख अभी उसका आस्किंग प्राइस है वो 2 में कंफर्म हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पे आना है और हमारा रेफरल कोड देना है, उसमें सिर्फ ट्राई करेंगे 2 लाख में देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई करेंगे 2 लाख में देने का। तो आइए जल्द से जल्द और लेके जाइए। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि रहेगा 7-सीटर+1 कैटेगरी में। तो हमारे पास खड़ी है टोयोटा इनोवा। तो सर इसका क्या डिटेल्स रहेगा? ये 2014 मॉडल गाड़ी है, इनोवा G4, ओनर फर्स्ट, टायर चारों न्यू ब्रांड, बाकी सभी यानी बेस्ट एंड बेस्ट व्हीकल है, चली है 1,10,000 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट ओनर रहेगी, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर। और इसका फ्यूल टाइप क्या रहेगा? डीजल। डीजल, हाँ। अच्छा, तो क्या आस्किंग प्राइस रहती है फिर इसका? 9,25,000 रुपये, 925। अच्छा, हाँ। तो अगर अभी अगर ये गाड़ी लेते हैं अपन तो उसमें क्या डिस्काउंट हो जाएगा अभी? सर डिपेंड करता क्या ऑफर आएगा उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करेगी। अच्छा, फिर भी एक अप्रॉक्सीमेटली 10-20-50,000 रुपये क्या होता है समय पर कर देंगे अपन। अच्छा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। चलो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि है सीडान कैटेगरी में आने वाली प्रीमियम गाड़ी होंडा सिटी। तो सर इसका क्या डिटेल्स रहेगा? ये 2014 है, सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट, और होंडा सिटी का टॉप एंड मॉडल। होंडा सिटी का टॉप एंड, ओके। टायर पोजीशन? टायर चारों ने। किलोमीटर सर ये चलिए 75,000। अच्छा, हाँ। इसका ओनर टाइप कौन सा रहेगा? सेकंड ओनर। सेकंड ओनर, हाँ। और फ्यूल टाइप? इसमें पेट्रोल। इसमें पेट्रोल है ये, हाँ। अच्छा, तो अभी जानना चाहूँगा इसकी आस्किंग प्राइस। इसकी आस्किंग प्राइस सर अपन ने रखे 5,40,000 रुपये। 5,40,000 जी। तो इसका भी बेस डील अगर लेना है आपको तो कॉन्टेक्ट इन्फो हमने दिया है यहाँ पे, यहाँ का एड्रेस भी दिया है। जो भी मेरा भाई अभी वीडियो देख रहा है और यहाँ पे विजिट करना चाहता है तो आप एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आइए और गाड़ी लेके जाइए। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ हम आपको लेके आए थे क्लासिक कार्स, जो कि लोकेटेड है अपोजिट वृंदावन लॉन, मानेवाड़ा बेसा रोड, नागपुर में। तो अब तक की जितनी भी हमारी वीडियो है इसमें ये भी एक लाजवाब वीडियो बनी है, जो भी हर सेगमेंट की कार हमने यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई किया है और एकदम सिलेक्टेड कार यहाँ पे, जैसे कम से लेके ज़्यादा तक सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हमने शूट करे आज। तो जैसे अभी ये था शूट के बारे में आज के, तो अभी मैं बात करूँगा चैनल की। जो भी मेरा भाई अभी जो नॉन सब्सक्राइबर हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारा अपकमिंग जो भी नया वीडियो आता है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हमारे नेक्स्ट शूट पे। तब तक के लिए जय हिंद।